एक मिनट, सलमान खान सर जी का एक्शन देखो, एक्शन एक्शन। मजा आया ना, मजा आया ना, पक्का पक्का। वो सच सच बताना, मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं? मजा आया है तो फिर दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं दिखाऊंगा, बता दे रहा हूँ। हाँ तो भाई देखो, अगर मजा आया है तो वीडियो लाइक करनी पड़ेगी, और अगर नहीं लाइक किया ना तो कसम से कह रहा हूँ भाई, अब छोड़ो मत, लाना था तुम पे। इतना अच्छा एंटरटेनमेंट वीडियो बनाता हूँ तब भी तुम नहीं लाइक करते हो, यार कैसे के आदमी हो? शर्म तो आती नहीं होगी, अभी तुमने फॉलो ही नहीं किया होगा, सॉरी सॉरी सब्सक्राइब नहीं किया होगा, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनाया है यार, अब मेहनत की है। आज मूवी देखने गए थे, वहाँ के लोगों को जब देखा ना तालियां से, अरे बाप रे सीटी, तालियां, लड़ाई तक हो जाती थी यार। अरे पूछो मत, मूवी में क्या है मसाला, अरे बाप रे तूफान है भाई तूफान। मूवी देखने जाओ और दिवाली का एंजॉय करो, घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, छुट्टी तो पूरी गोड़ दिए होगे पटाखे छुटा के, अब वही 4,000 8,000 के पटाखे ले आओगे, फूंक दियोगे पूरा साली को, मोहल्ले को काला काला कर दियोगे, उससे बढ़िया जाते हैं एक्शन, बढ़िया एंटरटेनमेंट करते, लेकिन नहीं। हालांकि माय नेम इज प्रदीप कुमार सिंह, आज मैं टाइगर 3 की पूरी सिक्वल के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही एक्शन फुल, इंटरटेनिंग, और जो कि बहुत ही एक्शन से भरी मूवी है, जो कि आप सभी लोगों को देखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मसालेदार मूवी है, आप सभी लोग को जाना चाहिए। अगर नहीं आप देखे मूवी को हो तो भी आप समझ लीजिए कुछ नहीं देखे, समझ लीजिए पठान से कोई कम नहीं है, पठान के ही जैसे है, जैसे पठान वालों ने मूवी बनाई थी शाहरुख खान के साथ, जो कि स्टार कास्ट बहुत ही बेटर थी, मूवी का जो DGM था नंबर 1 था, जॉन अब्राहम सर जो थे नंबर 1 की एक्टिंग की, उसी के हाल ही जो कि टाइगर 3 है सलमान खान सर, और बाप रे माशाल्लाह क्या मूवी में एक्शन किया उन्होंने, क्या मूवी की स्टार कास्ट है, इमरान हाशमी जो विलन का रोल किया ना नंबर 1, मैं तो कहता हूँ फैन हो जाओगे, देखो जाके एक बार। सलाम। इंड में कबीर अपने जो अपने वार वाले जो लीड एक्टर ऋतिक रोशन थे, उन्होंने इंड में एक ऐसा मैसेज छोड़ा, हालांकि टाइगर 3 का जो एक्शन था वो तो था ही, जो इंड में उन्होंने एक एक कहते हैं ना यूनिवर्स को कनेक्ट करने की बहुत ही समझ हार्ड वाली पोजीशन थी, नंबर 1 का भाई लगा लास्ट में, जो कि वार से वार का ही सिक्वल आने वाला है, जो कि बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं तो बहुत वेट कर रहा हूँ, क्योंकि टाइगर 3 जितनी अच्छी है मुझे लगता है शायद उससे भी डबल इंटरटेनमेंट, उससे डबल एक्शन, उससे डबल इंटरटेनिंग मूवी बनने वाली है वार, जो कि वार फर्स्ट आई थी जो कि नंबर 1 की थी, और जो वार 2 आने वाली है जिसमें NTR शायद मेरे हिसाब से 101% विलन है, जो कि नंबर 1 की मूवी बनने वाली है, उसी का लास्ट का जो आप देखोगे ना कसम से फैन हो जाओगे। मैं कहता हूँ मूवी देखने प्लीज़ जाना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर वीडियो आपको पक्का अच्छी लगी हो। अब यार क्यों नहीं अच्छी लगेगी यार, सलमान खान भाई साहब के फैन हो गए आप तो, यार ऐसा नहीं हो सकता, भाई के फैन हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना यार मेरी वीडियो को, समझ लो मैं नहीं जानता, मुझे व्यू भी चाहिए और लाइक भी चाहिए, और मैं तो मूवी देख लिया हूँ और थोड़ा थोड़ा क्लिप भी मैंने दिखा दिया, ताकि आप अट्रैक्शन से आप उस पर जुड़े और मूवी देखने जाएं। और दिवाली का तो मुझे लगता है तुम लोगों ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया है, तो इस मूवी का भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि मसाला तो है ही है साथ में एक्शन भी है, तो इंड का प्लीज़ मत छोड़िएगा, आप मूवी देख लेंगे ना तो वाकई में आप कहेंगे कि जो मैंने तुमसे कहा वो गलत नहीं कहा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, तब तक के लिए खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और हेल्दी रहें, खाना पीना खाएं, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, एंटरटेनमेंट का फुल एंजॉय करें, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं, ठीक है, लव यू भाई लोग। सब करना पड़ेगा सभी, जिसे करने के बाद तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे।